Hey guys, welcome to all my YouTube channel CIT Creative and Innovative Things by Pooja. मैं हूँ पूजा और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे हम कन्या पूजन गिफ्ट को रेडी करें. जी हाँ, जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हम कन्या लोग को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते हैं. तो आज मैं वीडियो में आपको यही सब दिखाने वाली हूँ कि हम कन्या पूजन में गिफ्ट क्या दें और उस गिफ्ट को कैसे पैक करें. तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा. तो मैं कन्या पूजन में दूंगी सबसे पहले ये प्लेट स्टील की और साथ में ये एक स्टेशनरी का सामान है जिसमें एक शॉर्पनर है, इरेजर है, स्केल है और पेंसिल है. तो गिफ्ट ज़रूर से ज़रूर ऐसा ही देना चाहिए जो यूजफुल हो. और इससे बेटर चीज़ क्या हो सकती है, ये सभी के लिए ही कन्या लोग के तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. और साथ में ये स्टेशनरी बैग है इसको रखने के लिए. और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हेयर बैंड, तो ये मैंने ही बनाया है, बट आप रेडीमेड हेयर बैंड ले लीजिएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा. और साथ में समय को देखते भाई कोरोना चलते मैंने यहाँ पे रखा है एक हैंड सैनिटाइज़र. तो ये है हमारा पूरा गिफ्ट. अब हमें इसको ही रेडी करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे प्लेन रेड कपड़ा लिया है और इसको मैं रख के मेज़र कर लूँगी उतना ही जितना मुझे चाहिए. और मैं इस तरीके से फिर इस कपड़े को कट कर लूँगी. ना तो हम यहाँ पे गिफ्ट पॉलीथिन का यूज़ करेंगे और ना ही पेपर का. आज जो हम गिफ्ट पैक करेंगे उसके लिए मैंने कपड़ा का ही यूज़ किया है. आज हम कपड़े से ही रैप करेंगे एकदम ये पोटली स्टाइल में. और मैं इसे अब एक रबड़ बैंड से बांध लूँगी. पॉलीथीन से और पेपर से तो हमेशा गिफ्ट पैक करते हैं, पर कपड़े से करने से और अच्छा लगेगा. और साथ में मैंने यहाँ पे एक और प्लेन नेट का रेड कपड़ा यूज़ किया है, इससे इसका लुक और भी अच्छा लग रहा था. तो चाहो तो आप कोई एक ही यूज़ कर सकते हो, चाहे अंदर वाला या जो बाहर ये नेट का कपड़ा है उसको. तो मुझे तो दोनों सही लगा इससे मैंने दोनों कर दिया. और साथ में मैंने इसे फिर गोल्डन टेप से लॉक कर दिया. और मैंने यहाँ पे लिए एक गोल्डन प्लेन लेस, साथ में दो बैल. और इसको इसलिए मैं लगा रही कि इससे लुक और अच्छा लगेगा. और साथ में मैंने इस लेस में क्या किया, एक एक छोर पे एक एक बेल को बांध लूँगी और इसे मैं पोटली पर बांध लूँगी. उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कार्ड लिया है, इसमें मैं नेमिंग करूँगी जिसको गिफ्ट देना है उसका नाम और जो दे रहा है उसका नाम. और यहाँ पे इस कार्ड में मैं माता रानी के फेस को बना रही हूँ. ये ऑप्शनल है, आप सिंपल कार्ड भी रख सकते हो या आप कार्ड ना भी रखो तो भी चलेगा. मुझे बनाने आता है इजली, इसलिए मैं ये रख दे रही हूँ. और यहाँ पे मैं इस तरीके से नाम लिख लूँगी. तो हमारा गिफ्ट ऑलमोस्ट रेडी है. चलिए हम देखते हैं एक बार इसका पूरा लुक कैसा लग रहा है हमारा गिफ्ट. अगर आपको ये कन्या पूजन गिफ्ट का आइडिया अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए क्रिएटिविटी के साथ. आप सभी को CIT की ओर से नमस्ते. तब तक के लिए घर पर रहें एंड स्वस्थ रहें.